अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ना, ये आपको ये गीज़र है 6 लीटर का, ठीक है। ये फॉर सेल गीज़र है, ठीक है। जिस भाई को चाहिए वो कमेंट्स में नंबर लेके हमसे रब्ता कर सकता है। अगर जिसको ये चाहिए, हम इसकी क्वालिटी बताते हैं आपको, ये कैसा गीज़र है, और दूसरा ये कि जो जो चीज़ें इसमें लगी हुई है उसके बारे में बताएँगे। तो ये गीज़र में फॉल्ट नहीं था, कोई फॉल्ट नहीं था, ये हमने चलता हुआ उतारा है। जहाँ से हमने उतारा है वहाँ उन्होंने बिजली वाला लगवाया है गीज़र, तो ये हमने उतारा है वहाँ से। उतार के हमने इसका सारा काम किया है, इसकी जो है ना सारी मेंटेनेंस की है, हर एक एक चीज़ खोल के इसकी वॉश की है, अंदर से भी बाहर से भी, ठीक है। हर एक एक चीज़ खोली है, इसकी सफाई की है, और इसमें हमने जो है ना चार्जिंग का सिस्टम भी दिया है। मतलब कहने का कि आप सेल की जगह जो है ना अपना एक छोटा अडाप्टर या कोई चीज़ लगा सकते हैं, सेल की भी बचत है, इसमें हमने ऑप्शन दिया है इसके अंदर, ठीक है। दूसरा ये है कि ये गीज़र फॉर सेल है, और इसमें क्या क्या लगा हुआ है, और ये पहले क्या था, तो इसके बारे में हम बताते हैं आपको। पहले हाई प्रेशर गीज़र था। हाई प्रेशर का मतलब है जो प्रेशर से ऑन हो, पानी के प्रेशर, जैसे जापानी गीज़र हैं हमारे, वो पानी के प्रेशर से ऑन होते हैं। तो ये वाला जो गीज़र है, ये पहले हाई प्रेशर था, तो फिर हमने इसको लो प्रेशर कर दिया था, ठीक है। हाई प्रेशर में पानी के प्रेशर से जो है ना स्विच ऑन होता था, वो इस जगह लगा होता था स्विच, वो उस कनेक्शन हमने ख़त्म कर दिया। हमने इसको लो प्रेशर किया, इसके नीचे जो असेंबली लगी हुई थी वो हमने चेंज की। ये देखो लो प्रेशर आपको असेंबली नज़र आ रही होगी, ये डाली हमने इसके अंदर, ये देखो ब्रास की, यहाँ सेंसर लगा हुआ है, ये लो प्रेशर हो गया, ठीक है। और ये जिस भाई को चाहिए वो हमें कमेंट्स में नंबर लेकर रब्ता कर सकते हैं। और इसमें जो टैंकी है, ये प्योर इसकी ओरिजिनल टैंकी है, इसमें हर चीज़ ओरिजिनल लगी हुई है इसकी। ये हिस्सा इसका ब्रास का है, ये देख रहे हैं आप, ये टोटली इधर से लेके इधर तक, और ये पानी वाला, ये सारा ब्रास का हिस्सा है, ठीक है। सिल्वर नहीं है, ब्रास है, इधर भी ब्रास है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। दूसरा इसका बर्नल भी बिल्कुल फ्रेश है, अंदर से कहीं से गला हुआ नहीं। इसकी टैंकी ओरिजिनल टैंकी है, ओरिजिनल, आजकल जो आ रही हैं टैंकियाँ वो बिल्कुल हल्की हैं। ये टैंकी है, ये जो है ना गीज़र की टैंकी है, ये कितनी हल्की टैंकी है, आप देखो इसको आप हाथ से फोल्ड कर सकते हैं, ये देख रहे हैं, ये देखो, ये यानी कि क्वालिटी नहीं है, इसका वेट भी कम है, 900 ग्राम की है तकरीबन ये टैंकी। और इसकी जालियाँ भी, ये देखो आप हाथ से ये मुड़ रही हैं, क्योंकि जो इनकी जो जालियाँ हैं ये भी ज़्यादा फासला है। जितनी हमारी ये चिमनी, ये टैंकी मजबूत होगी, अच्छी होगी, वजनी होगी, उतना हमारे गीज़र की लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपने देखती हैं, देखनी है गीज़र खरीदते वक्त के जो है ना गीज़र क्वालिटी में कैसा होना चाहिए। आपने बाहर से नहीं देखना गीज़र को, आपने अंदर से खोल के उसकी क्वालिटी, उसकी चीज़ें देखनी है कि इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये देखें, ये चीज़ है इसके अंदर, ये देखो कितनी हल्की है, लेकिन जो इसके अंदर लगी हुई हार्ड है, ये देखो मोटी है, क्वालिटी में भी अच्छी है। दूसरा इसकी जालियाँ देखें, यानी कि इसकी जालियाँ दिखाता हूँ मैं आपको। इसका वेट जो पुरानी टैंकी है ये वाली, इसकी ओरिजिनल है, इसका वेट उससे ज़्यादा है। इसकी जो चिमनी है ये बिल्कुल यानी कि सही हालत में है, क्योंकि जितने भी हाई प्रेशर गीज़र होते हैं उनमें आग लगने का ख़तरा नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 लीटर का गीज़र है, अगर आपको चाहिए 6 लीटर का मिलेगा आपको, आपको नज़र आ रही होंगी इसकी जालियाँ। दूसरा ये है कि इसमें इसकी ओरिजिनल कॉइल लगी हुई है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉइल इसकी ओरिजिनल है, ठीक है, और इसकी कॉइल भी ओरिजिनल इसकी अपनी है। तो हमने सिर्फ इसकी मेंटेनेंस की, इसकी सफाई की है, और इसमें चार्जिंग का अडाप्टर का आपको सिस्टम दिया है कि आप इसको यानी कि बैटरी अडाप्टर भी लगा सकते हैं। चार्जिंग का हमने सिस्टम दे दिया है इसके अंदर, आप चार्जर भी यूज़ कर सकते हैं इसमें चार्जेबल सेल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चार्जेबल सेल के बारे में, यानी कि हमने जितने भी हमारे जापानी गीज़र हैं और हमारे चाइनीज गीज़र हैं, तो हमने उसके अंदर कौन सा सेल लगाना है, तो उस सेल के बारे में भी आपको बताएँगे, और उसमें जो है ना कौन सा अडाप्टर लगाना है, वो चार्जेबल सेल होगा, उसमें आपको बार बार सेल नहीं डालने पड़ेंगे, जो सेल होगा सिर्फ उसको चार्ज करना पड़ेगा आपको, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये गीज़र है, इसका मैं बैकअप भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखें बिल्कुल कहीं से गला हुआ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा इसकी बॉडी, इसका ऊपर का जो कवर है वो भी आपको दिखा देते हैं, ये इसका कवर है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इसका कवर, ये वाला, ये इसका कवर है, देखो बिल्कुल फ्रेश हालत में है, ये देखो बिल्कुल जो इसका कवर है ये बिल्कुल फ्रेश है। शीशे का ऊपर ये उन्होंने शीशे का ये लगा हुआ है इसका सामने वाला, और इसमें ये एलईडी भी उन्होंने दी हुई है टेम्परेचर की, ठीक है। ये देखो बैकअप इसका, बिल्कुल अंदर से जो इसका अंदर वाला हिस्सा ही बिल्कुल फ्रेश है, कहीं से गला हुआ नहीं। इसको सारा हमने वॉश किया था, धोया था इसको बिल्कुल, जो है ना हमने एक एक चीज़ में जो है जिसका जंग लगा हुआ था वो हमने उतारा है। ये चाइना का गीज़र है, और अगर ये जिस भाई को चाहिए तो वो जो है ना हमें हमसे कमेंट्स में नंबर लेकर रब्ता कर सकता है, ये उसको जो है ना हम TCSE ना डिलीवरी करा देंगे, ठीक है। ये 6 लीटर का गीज़र है, और किसी भाई को अगर कोई चीज़ पूछना है तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है।